अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है इज़दिवाजी ज़िंदगी में नियत का अमल दखल। नियत, हर चीज़ में नियत को इस्तेमाल किया जाता है और हर चीज़ में नियत, बद नियत और अच्छी नियत की बड़े लोग बात करते हैं, बहुत अमल दखल हर काम में इसके होती है। इज़दिवाजी ज़िंदगी में नियत का अमल दखल क्या है, ये आप हमें कॉल करेंगे, हम आपसे बात भी करेंगे, इस पे आपसे भी पूछेंगे, आप भी शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। और साथ ही ये मैं बताता रहूँगा कि जो मेरी तजुर्बात है, मेरी रिसर्च है, मेरी तहकीकात जो है, जो इंसानी सलाहितों पे है, इंसानी जो नियत जैसी ताकतें हैं, जिस तरह नियत का जो अमल है वो ज़िंदगी में कैसे आपके फ्यूचर को बनाते हैं और कैसे फ्यूचर को बिगाड़ देते हैं, ख़राब करते हैं, ये मुझे तजुर्बात है, रिसर्च है, मेरी तहकीकात है, इंसानी सलाहियतें, इंसानी रवैये पे मुझे बहुत से मुतालिया है और इंसानी रवैये पे मैंने बुक्स भी लिखी है, किताबें लिखी है, किस तरह के हम नियत करके हम कोई बहुत बुरा काम कर सकते हैं और नियत करके हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं। एक लिहाज से हर चीज़ में इंसान का नियत का अमल दखल होते हैं। नियत एक ऐसी चीज़ है, अगर नियत अच्छी है तो फ्यूचर अच्छे बनते हैं, नियत अगर बुरी है तो फ्यूचर में वाकई खराबियां आ जाते हैं। अब आते हैं इज़दिवाजी ज़िंदगी में कि इज़दिवाजी ज़िंदगी में नियत का अमल दखल कैसे है। अगर कोई इंसान पहले से, यानी शादी से पहले कोई शख्स अगर ढूंढते हैं कि वो उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर ढूंढना है, उन्होंने अपने ज़िंदगी का साथी ढूंढना है और उनका नियत में ये है कि बस वो अमीर हो, वो बहुत जो है ना, उनमें कोई बात नहीं, अगर अखलाक है नहीं है, उनमें कोई अच्छी तरबियत है नहीं है, जो भी है मुझे एक पार्टनर ढूंढना है जो माली हालत उसके अच्छे हो, उनके पास बहुत सारा माल दौलत हो, बहुत सारा कुछ हो, तो उस सूरत में इंसान का नियत पहले से ऐसा बिगड़ा हुआ नियत में, आप बताएं कि क्या ये शख्स, इसकी इज़दिवाजी ज़िंदगी चाहे मर्द है चाहे औरत है, इनके अच्छे गुजरेंगे, ये आप हमें बता देंगे और मैं भी बताता रहूँगा कि मेरे तहकीक के मुताबिक क्या है। एक कॉल होल्ड पे हैं, कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं, बात करते हैं, कॉलर से भी पूछते हैं कि इज़दिवाजी ज़िंदगी में नियत का अमल दखल क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं आसमा जावेद बोल रही हूँ, कैंट से। जी जी जी, आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती है? सर मैं आपको ढेरों ढेर फर्स्ट ऑफ ऑल दुआएं देती हूँ बहुत, और अल्लाह के बाद आपका एहसान मानती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल कर दिया है कि आज जो नबीना लोग हैं उन्हें भी आपके फजल और करम की दौलत से फैजियाब है वो लोग। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है। हाँ जी, और सर मैंने आपसे क्लासेस ली है दो, और उसका ये फायदा है कि मेरे हस्बैंड जो थे उनको इतनी पर्सनल डिजीजेस थी जो मेरे बीवी के दरमियान होती हैं, वो किसी डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते थे, वो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर जाते और अपना इलाज करवाते, और आपकी दुआ और अल्लाह के फजल से आज वो इस काबिल है जो उनकी सारी दुआइयाँ खत्म हो गई हैं और वो बेधड़क अपनी बीवी के साथ रह सकते हैं, यानी कि मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये कैसे हुआ, आपने समदा हिलिंग एनर्जी को अप्लाई किए थे? जी सर, मैंने समदा हिलिंग का पहला सेशन और सेकंड सेशन उनसे अप्लाई किया, और उसके बाद सर मैंने तीसरा भी अप्लाई किया उनके ऊपर। क्या प्रॉब्लम क्या था उनको? सर उनका प्रॉब्लम पर्सनल जो आदमियों के अंदर होता है, मेंस के अंदर। अच्छा अच्छा, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। सही सही, कोई मखसूस अमराज में से कोई प्रॉब्लम था? सही जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है, बचपन की उनकी ये डिजीज
थी जो वो कमर सामने नहीं आई, उनके पेरेंट्स तो वापस आ गए थे, उन्होंने बड़ा अपने तौर पे इलाज करवाया था लेकिन उन्हें कोई शिफा नहीं थी, और आज अल्लाह के फजल से मैं उन्हें हील करती हूँ तो वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं और हम दोनों बड़ी दुआएं देते हैं आपको। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। अच्छा, आज मौजू जो मौजू के मुताबिक बात करेंगे कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अमल दखल, नियत का अमल दखल कैसा होती है। मैं आपसे पहले भी अभी मैं आपसे यही शेयर करने लगी हूँ कि देखिए पहले मुझे ये सब कुछ नहीं पता था लेकिन मेरी नीयत साफ थी कि मैंने इसी आदमी के साथ रहना है, इसके जो पर्सनल डिजीजेज है, जो इसकी पर्सनल बीमारियां है, मैंने उसके साथ इसे कबूल किया था अपने खामी को। अभी सर मेरे पास एक बेटी है और मेरे पास लाभ नहीं है लेकिन अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से और आपकी दुआ से इस काबिल कर देगा कि मुझे अल्लाह ताला और फर्ज अलाद करेगा। और सर मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, इन्हें मैंने दुनिया में ये नहीं कह के छोड़ दिया कि भाई आप काबिल ही नहीं हो कि मैं आप एक औरत के साथ रहो, मैंने इन्हें अल्लाह की रजा के साथ इन्हें एक्सेप्ट किया कि मेरे अल्लाह ने इन्हें मेरे लिए चूज किया है। और सर देखिए अल्लाह ने मेरा कैसा सवाब लगाया कि मैंने हक टीवी पे आपको देखा, आपको सुना और आपसे मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है और सर अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है कि आप मेरे सामने हो और मैं फेस टू फेस आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों के एक रूहानी कनेक्शन है, एक मोहब्बत है तो अल्लाह के साथ और इंसान के साथ, जो अल्लाह के जो सबसे बेहतरीन मखलूक है इस दुनिया में, जो उन्होंने पैदा किए हैं अशरफुल मखलूकात बरतर, तो ये उनके वजह से आपके ये है, तो अल्लाह ने आपको चलो एक अच्छी ज़िंदगी अता की है। तो नियत आपका क्या होता, यानी नियत में आपकी ख़राबी नहीं आती कि जैसा भी है एक शख्स को प्रॉब्लम है और आपने उनके साथ गुजारनी है, और अगर एक शख्स की नियत ऐसे ही अगर आपके खुदा ना का नियत ख़राब होती कि मुझे चलो इससे छुटकारा हो कि किसी और के साथ शादी करके या कोई ऐसा, तो क्या आप उस शख्स के साथ भी ऐसी ज़िंदगी, कल परसों उनको कोई और प्रॉब्लम उन शख्स को होता, क्या आप उनके साथ भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकती थी। सर मेरी बात सुने, मैंने अमानो बिन नियत बड़ी पहले पढ़ा था जब मैं फोर्थ या सिक्स क्लास में थी कि अमानो का दारो मदार नियतों पे होता है, और मेरी नियत यही थी कि मेरे रब ने इसे मेरे लिए चूज कर लिया है तो मुझे इसका साथ देना है, मैंने यही सोचा था। आज मेरे डॉक्टर ने कहा था कि इसे छोड़ दो किसी और से कर लो, फीमेल डॉक्टर ने, मैंने उसे कहा था मुझे ये बताओ क्या गारंटी अगले के पास जाऊंगी तो वो ठीक होगा। सही, माशाल्लाह अल्लाह ने देखे ठीक है आपकी नियत अच्छे थे और उनको अल्लाह ने शिफा दी है और आज आपकी जिंदगी बड़े अच्छी, क्योंकि नियत अच्छा था आपका ना। जी सर, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दिया और मेरे सर इतनी दुआएं मिलती है, मेरे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, आपने कहा था ना हमारा एक क्लिनिक होगा, मुझे पता लास्ट सेशन में आपने हम सबको जो कहा था वो आपकी दुआएं थी, और यकीन करें सर आज मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे भतीजे की ऐनक उतर गई है, उसे सही नहीं नजर आ रहा था, बड़ा जो है उसे भी है, मेरी भाभी को भी अल्लाह ने शिफा दी सर, मेरी माँ जी को बड़ी पुरानी डिजीजेज है ये इनके दखलों की घुटनों की, मैं उन्हें भी हील कर रही हूँ, और इन्हें मैं कहती हूँ कि सिर्फ ये यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको शिफा दे दी और आपको मिल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपकी नियत अच्छी है, यकीन अच्छी है, तो अल्लाह सब कुछ बेहतर करते हैं, ठीक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपसे। मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आप लाहौर में आपसे कब मुलाकात हो सकती है। जी लाहौर में हम इंशाल्लाह ये आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि हमारे शेड्यूल कैसा है, ये लाहौर में इंशाल्लाह 2 जुलाई को इंशाल्लाह हमारे 2 जुलाई को होंगे वहाँ पर, इसी होटल में इंशाल्लाह होंगे 2 जुलाई को हम आ जाएंगे, 2 जुलाई को इंशाल्लाह, और 2 जुलाई को वही पे 3 बजे इंशाल्लाह ये फिर संदा के लिए जरा खास दुआ करते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट मैं देती हूँ इसका असर ना हमेशा बाकी रहे, जरा वहाँ पे बैठ के मुझे इतना ही हील कर दे कि मैं जिसके साथ ये ट्रीटमेंट करूँ वो खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए और हमेशा खुश रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम हमेशा दुआ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और बिलखसूस ऐसे अच्छे एनर्जेटिक स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी अच्छे मुस्बत सोच और इतनी अच्छे नियत है उनके, तो वो नियत की वजह से अल्लाह ताला
सब कुछ बेहतर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियत एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छी नियत हो तो ज़िंदगी रियली, क्योंकि माइंड के हमारी जो स्ट्रक्चर है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, जब हमारी नियत, हमारे पास एंड फ्यूचर रिसर्च के मुताबिक पास एंड फ्यूचर हमारे हमारे अनकॉन्शियस में होते हैं, तो जब हम अगर नियत हमारे अच्छे हो तो पास फ्यूचर जो हमारा है वो बेहतर बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और जिस चीज़ के लिए हमारे नियत की अगर ख़राबी है तो वो ख़राबी उससे मिल जाते हैं, वाकई वो बुरा हो जाते हैं। इस पर बात करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। हम एक कॉल होल्ड पे हैं, हम पूछते हैं कॉलर से भी कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में नियत का अमल दखल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुलंगा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? अहमद हूँ व नसल्ली अला रसूलिल करीम अमीन अल मकीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एहसान फरमाया कि ये मैं एक मुजाहरा करने लगा हूँ। इन्नम अल आमाल बिन्नियात। बहुत अच्छी बात। हमारा मजहब का बुनियादी फलसफा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब सुन ले मेरी, मुझे देखने जरा थोड़ा सा पीछे जाने चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ के 54 ईयर्स गुजर चुके हैं। अच्छा, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सूफी खास पार अहमद कादरी। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, ग्रुप कैप्टन मुश्ताक अहमद के घर में बैठा हुआ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपकी तो वजुहत से फरवानी से, मुझे डॉक्टर ने 50% का कहा था ठीक होना, दो दिन आपके एहसान से मैं 100% फिट हूँ इस लाइफ में। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं 25 वर्ष का नौजवान हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार का बूढ़ा मैं भाग के जाके अभी नमाज पढ़ के आया हूँ बाजमात। माशाल्लाह। आज की नमाज भी बाजमात पढ़ी है, फजर की नमाज मेरे नवासल मेरे वजायर उसी तरह जारी हो गए हैं जो आज से एक महीना पहले छूट गए थे। तो सर आपकी तवज्जो का सराहने सवाल, ये मजमून जो है आप ये अज़्दवाजी जिंदगी में अमल का नियत, ये सारा काम ही नियत से चलता है, नियत से चलता है। हमारे यहाँ राजस्थान में रिवाज था के खानदान में रिश्ते नजदीक नहीं किए जाएंगे। सही सही सही। तो उसे बहाया जाता था। और मेरा यहाँ तो मेरा 21 साल उम्र हुई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वसीयत किया, मैंने कहा मना किया था कि मैं 37-38 साल के बाद फौज से आऊंगा, जवान होऊंगा वापस, पेंशन लेकर फिर मेरी शादी करना। हमारे घर में बहुत गरीबी थी डॉक्टर साहब। मैं कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा खर्चा बिजली का, बाकी क्या खिदमत करूंगा। मेरे वालिद साहब हैं बहुत दानिशवर शख्स थे जमाने के। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरा 21 साल की उम्र में शादी कर दी गई। तो जब मेरी तय की गई डॉक्टर साहब, तो मेरी खाला है और मेरी वालदा तो 1947 में मर्तबा छात्र फायद हो गई थी। मेरी सभी खाला बहावलनगर में थी। मेरे खालू को उन्होंने बताया मुजफ्फरगढ़ के उस गाँव में जाओ कि वो मेरा बहनोई पता नहीं क्या बला देगा मेरे भान से लेके उसका देख के आ जाके। तो उस जमाने में ये होता था जब लड़कियां मंसूर हो जाती थी डॉक्टर साहब, तो अपने कबीले से छुपती थी, हाथ मान लड़कियां छेड़खानी करती थी। तो मेरी बीवी नीम के दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती थी गाँव में, कोई फोड़ दिया तो छाव रहती, उस सारे दिन धूप में बैठी रहती। जब वो गया मेरा खालू वहाँ गाँव में, पूछा कि कौन सी लड़की फिर पे जा रही है, दूर से दिखाया वो, तो जो आगे फैमिली पैदा हुई थी और धूप की वजह से काली क्या बनी बैठी थी, एकदम उल्टे पाँव में भागा उधर को दे आया। सीधा मैं भी घर में आया हुआ था छुट्टी, तो मेरे बालक साहब से उलझ पड़ा। उन्हें कहा इतना खूबसूरत बच्चा है, हम इतनी बदसूरत लड़की को नहीं लाने देंगे घर में। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। लर्न HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला। Learn world most powerful healing energy samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects.
फॉर मोर इन्फो कॉल अस एंड रीड माय बुक्स एंड विजिट www.zilsciences.com एंड samadmusafir.com एंड वॉच माय ऑल प्रोग्राम ऑन YouTube एंड ज्वाइन आवर ग्रुप्स ऑन Facebook. Join us and connect with the nature.